धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धर्मेंद्र। जैसा कि आज हम 4.6 स्टार्ट करेंगे, इसके पहले 4.6 का परिचय तथा कुछ उदाहरण बताया गया था। परिचय तथा उदाहरण परिचय जरूर देखेंगे, उससे आपको हर एक सूत्र के विषय में जानकारी होगा, सूत्र कैसे आया कैसे नहीं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे 4.6 द्विघात समीकरण का। 4.6 का पार्ट नंबर एक रहेगा आपका। पार्ट नंबर एक सवाल आप देख रहे हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विविक्तकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विविक्तकर ज्ञात करना है। सवाल नंबर 1 से 8 तक जितना प्रश्न है सब के लिए विविक्तकर पूछा गया है। कहा है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विविक्तकर ज्ञात कीजिए। विविक्तकर का एक नाम और होता है विवेचक। विवेक्तकर का एक नाम और होता है विवेचक। परीक्षा में किस नाम से पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए दोनों नाम जानना आपके लिए अति आवश्यक है। देखिए पहला सवाल है आपका, विवेक्तकर ज्ञात करना है आपका। 4.6 का फर्स्ट सवाल है आपका, दिया है x स्क्वायर माइनस 4x धन दो बराबर जीरो। यह है सवाल आपका। सवाल है, अब देखिए हमसे पूछा गया है विविक्तकर पूछा गया है और 1 से 8 तक सवाल में सब विविक्तकर बताना है। अब देखिए विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, विविक्तकर का फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। विविक्तकर जिसका एक नाम और है विवेचक। क्या नाम है? विवेचक। विवेचक का सूत्र इसे डी से दर्शाया जाता है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह सूत्र है, विविक्तकर का फार्मूला है। विविक्तकर को हम विवेचक कहते हैं, इसे डी से दर्शाया जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी सूत्र में रखना है, आपका विविक्तकर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको भाई ABC चाहिए। ABC कहाँ से आएगा? यह द्विघात समीकरण के मानक रूप से आएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, चूंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर जीरो। अब देखिए इसी से तुलना करेंगे जो दिया हुआ समीकरण है। अब x स्क्वायर के बगल a, कहने का मतलब x स्क्वायर का गुणांक k, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिया जाएगा। a बराबर मिल गया 1। अब देखिए x का गुणांक b है और x का गुणांक -4 है। b के जगह हम -4। अब देखिए x स्क्वायर के बगल 1 है, इसके आगे हम +1 लिख सकते हैं, लेकिन +1 नहीं लिखा जाएगा, फिर भी +1 पढ़ा जाता है, लेकिन -4 तो ज़रूर लिखा जाएगा। और c की जगह कितना आ गया? 2। c की जगह 2, बस यही मान इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब विविक्तकर निकालना है, बी की जगह कितना रखेंगे? -4 का स्क्वायर -4 और ए के बीच में गुणा का निशान, ए का मान दिया गया है, आप देख रहे हैं 1। इसके बाद सी का मान दिया गया है कितना? 2। ए और सी के बीच में क्या निशान दिया गया है? कुछ नहीं, तो हम गुणा लेंगे, -2। बस -4 का 2 बार गुणा करेंगे, -- से प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। कहने का मतलब -4 को 2 बार लिखेंगे, -4 × -4। माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 4 का गुणा 4 में 16, कहने का मतलब +16 आएगा। 16 लिखा हमने, इधर देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। 16 में से 8 गए 8, यह हुआ आपका आंसर विविक्तकर। अब देखिए सवाल नंबर दो है आपका।
तीन एक्स स्क्वायर धन टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो। एक से आठ तक जितना भी सवाल है सब में विविक्तकर पूछा गया है। विविक्तकर के लिए फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यही अगर विविक्तकर कह दे चाहे विवेचक, यही सूत्र आपको लगाना है। अब देखिए इसके लिए ए बी सी चाहिए। ए बी सी कहाँ चाहे कहाँ से मिलेगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर के बगल ए है, एक्स स्क्वायर के बगल क्या है तीन है, ए बराबर तीन मिला। एक्स के बगल बी है, एक्स के बगल बी, एक्स के बगल दो है तो बी बराबर दो लिखा, और सी बराबर कितना लिखेंगे माइनस एक। बस इसी में रखेंगे आंसर। एक से आठ तक सवाल सेम टू सेम है। बी के जगह हमने रखा दो का स्क्वायर माइनस फोर, और फोर और ए के बीच में गुणा का निशान। ए का मान दिया गया है तीन, इसके बाद फिर गुणा का निशान। सी का मान दिया गया है माइनस एक, अब गुणा कर दीजिए। दो का चार भाई, दो का स्क्वायर है मतलब दो का दो बार गुणा करेंगे, दो दूना चार आ जाएगा। माइनस यह माइनस का गुणा यह माइनस में करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। चार तियाई बारह, बारह इक्का बारह, और बारह और चार कितना होगा सोलह, यह हुआ आंसर। अब सवाल नंबर आप तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर तीन है आपका यक्स स्क्वायर माइनस चार यक्स धन ए बराबर जीरो। तो हमें क्या निकालना है, विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर के लिए सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब भाई ए बी सी कहाँ से मिलेगा आपको, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो। अब देखिए यहीं से ए बी सी का मान निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल ए है, एक्स स्क्वायर के बगल कितना लिखा गया है कुछ नहीं, कुछ नहीं तो एक लिया जाता है, यानी कि ए बराबर एक हुआ। अब देखिए यक्स के बगल बी, और इसमें यक्स के बगल माइनस चार, बी बराबर माइनस चार हुआ, और सी बराबर ए हुआ। सी के जगह क्या रखेंगे ए, बस रख देना है हमें, विविक्तकर याद करना है। बी के जगह क्या रखेंगे माइनस चार का स्क्वायर रखेंगे, माइनस फोर, ए की जगह कितना रखेंगे एक लिखेंगे, सी के जगह कितना रखेंगे ए लिखेंगे। माइनस चार का दो बार गुणा करेंगे सोलह आ जाएगा, और चार ए, चार ए, यह हुआ आपका आंसर। यह विविक्तकर हम ज्ञात कर चुके हैं। अब सवाल नंबर आप देखेंगे, सवाल नंबर चार है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप नए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, लाइक कीजिए। सवाल नंबर चौथा है, करणी में तीन एक्स स्क्वायर माइनस टू करणी में टू एक्स माइनस टू करणी में तीन बराबर जीरो। अब देखिए हमें क्या निकालना है, विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर इसी का एक नाम है विवेचक। विवेचक यानी कहने का मतलब सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस फोर सी। अब ए बी सी चाहिए, इसके लिए द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो। अब तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। तुलना कैसे किया जाता है भाई, एक्स स्क्वायर के बगल ए है, और समीक जो सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर के बगल क्या है करणी में तीन। बगल वाले का मतलब गुणांक बोला जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक करणी में तीन, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, कहने का मतलब ए का मान करणी में तीन आ गया, ए का मान करणी में तीन। बी का मान कितना आएगा, एक्स के बगल बी है, एक्स के बगल माइनस माइनस टू करणी में टू आएगा। अब सी के जगह कितना आएगा माइनस टू करणी में थ्री। सर्वप्रथम आप तुलना करना जाने, तुलना ए और बी और सी का मान हम कैसे निकालेंगे, उसके बाद सूत्र में रखिए, हल कीजिए आंसर। अब देखिए बी की जगह कितना रखेंगे माइनस टू करणी में टू का स्क्वायर, इसके बाद माइनस फोर, फोर और ए के बीच में क्या निशान है कुछ नहीं तो गुणा लिया जाएगा, गुणा का निशान। ए का मतलब करणी में तीन लिखेंगे, इसके बाद ए और सी के बीच में गुणा का निशान। सी की जगह कितना रखेंगे माइनस टू करणी में थ्री, बस। अब इसे आपको हल कर लेना है, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा कर दीजिए, माइनस टू करणी में टू गुणे माइनस टू करणी में टू, होल स्क्वायर का मतलब दो बार लिख दीजिए। दो बार लिखने के बाद माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस,
कड़ी के बाहर का गुणा बाहर करेंगे दो दूना चार, और कड़ी के अंदर का गुणा अंदर करेंगे कड़ी में चार, दो दूना चार। अब देखिए चार यह लिखा, प्लस नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, और चार का वर्गमूल दो, लेकिन चार और कड़ी में चार के बीच में गुणा का निशान है, चार दूनी कितना हो जाएगा आठ। कहने का मतलब यह हल करेंगे तो कितना आएगा आठ आएगा। अब देखिए यह माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बाहर कड़ी के बाहर का गुणा बाहर किया जाता है, चार दूनी आठ हो जाएगा, कड़ी का गुणा कड़ी में तीन त्रिका नौ हो जाएगा। आठ लिखा हमने, आठ यह लिखा, नौ का वर्गमूल तीन। अब देखिए इसके बाद आठ लिखा, आठ त्रिक चौबीस हो जाएगा, चौबीस आठ जोड़ लेंगे, चौबीस आठ जोड़ेंगे तो कितना होगा बत्तीस हो जाएगा, कितना बत्तीस, यह हुआ है आपका आंसर। हर एक सवाल बहुत आसान है। अब अगला सवाल आप देखेंगे, सवाल नंबर पाँचवा है आपका, यक्स स्क्वायर धन यक्स धन वन बराबर जीरो, हमें निकालना है वही विविक्तकर का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर सी, हमें ए बी सी चाहिए। इसके लिए द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो होता है। अब ए बी सी का मान इसका तुलना करके निकाल दिया जाता है। तुलना कैसे किया जाता है भाई, एक्स स्क्वायर के बगल ए है, एक्स स्क्वायर बगल कुछ नहीं है तो एक लिया जाएगा, ए बराबर एक हुआ। अब एक्स के बगल बी है तब एक्स के बगल कुछ नहीं है फिर भी एक लिया जाएगा। अब देखिए सी बिना यक्ष वाला सी है, यहाँ पर सी का मतलब एक, सी बराबर एक, बस यह मान इसमें रखेंगे आंसर। ए बी के जगह एक रखेंगे, एक स्क्वायर करेंगे माइनस चार, ए के जगह एक लिखेंगे, सी के जगह एक लिखेंगे, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और चार एक का चार, चार एक का चार, चार में से एक निकालेंगे माइनस तीन, आंसर। हमसे विविक्तकर पूछा गया था, अब विविक्तकर हमने निकाल दिया। अब सवाल नंबर सिक्स आप देखेंगे, सवाल नंबर आपका सिक्स है, यक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन टू क्यू बराबर जीरो है, हमें क्या निकालना है, वही विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर का सूत्र का होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बस ए बी सी का मान निकालकर इसमें रखेंगे वही आपका आंसर होगा। ए बी सी का मान निकालने के लिए हमें चाहिए द्विघात समीकरण का मानक रूप, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर के बगल ए है, एक्स स्क्वायर के बगल क्या है कुछ नहीं तो ए एक लिया जाएगा, ए बराबर एक हुआ। अब एक्स के बगल बी है, एक्स के बगल पी है, आगे धन का निशान है, धन नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। कहने का मतलब बी, देखिए एक्स के बगल बी, बी बराबर पी हुआ, बी बराबर पी। अब देखिए प्लस सी है, यहाँ प्लस टू क्यू है, बिना एक्स वाला अचर होगा, यानी कि चर अचर की बात है भाई, सी का मान टू क्यू होगा, बस यही मान इसमें रखेंगे आंसर होगा आपका। विविक्तकर बी के जगह कितना रखेंगे, पी, पी रखा, इसका स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर किया माइनस चार, ए के जगह कितना रखेंगे एक लिखेंगे, सी के जगह कितना रखेंगे टू क्यू लिखेंगे। अब देखिए पी स्क्वायर माइनस चार दूनी आठ हो जाएगा आठ, आठ क्यू, यह हुआ आपका आंसर। अब सवाल नंबर सातवां आप देखेंगे, सातवां सवाल आपका, सवाल नंबर आपका सातवां है, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब हमें क्या चाहिए, विविक्तकर चाहिए, विविक्तकर के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की दरकरार है, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पर है। इसका ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण का मानक जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो, इससे तुलना किया जाए, इससे तुलना किया जाएगा सवाल का। एक्स स्क्वायर के बगल ए है, एक्स स्क्वायर के बगल कुछ नहीं तो एक का एक सब का गुणांक होता है, यानी कि ए बराबर एक हुआ। अब यक्स के बगल बी है, यक्स के बगल कुछ नहीं है तो एक लिया जाएगा, लेकिन आगे चिन्ह माइनस एक, बी बराबर माइनस एक हुआ, और सी बराबर कितना होगा एक, बस मान रखिए आपका आंसर आएगा भाई। अब देखिए बी के जगह कितना रखेंगे, माइनस एक का स्क्वायर माइनस, और एक के जगह कितना रखेंगे एक,
सी की जगह कितना रखेंगे, एक। माइनस एक का दो बार गुणा करेंगे, एक ही आएगा। अब माइनस चार एक का चार, चार एक का चार, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस तीन। यह हुआ आपका आंसर, यही विविधकर का मान होगा। अब सवाल नंबर आप आठवां देखेंगे। सवाल नंबर आपका आठवां है, बहुत बढ़िया सवाल है। यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स धन के बराबर जीरो है, और जहाँ कहा गया के बिलोंग आर, आर का मतलब रियल नंबर, के क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब कि उसमें सभी प्रकार की संख्याएं आएंगी, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बनी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी के का मान यही रहेगा। अब देखिए इसमें से हमें विविधकर पूछा गया है, विविधकर का सूत्र है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर सी। अब बी का मान जानेंगे तब रखेंगे ना भाई, बी और ए और सी का मान जानने के लिए हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे तुलना करेंगे सवाल का। ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बी सी का मान निकालने के बाद इसी में रखेंगे, हल करेंगे आंसर। अब यक्स स्क्वायर के बगल ए है, यक्स स्क्वायर के बगल सवाल में क्या है, कुछ नहीं, तो ए बराबर एक लिखा हमने। यक्स के बगल बी है, यहाँ यक्स स्क्वायर के बगल ए था, यक्स स्क्वायर के बगल कुछ नहीं था, एक लिखा हमने। यक्स के बगल बी, अब यक्स के बगल माइनस टू, बी बराबर माइनस टू, और सी की जगह कितना लिखेंगे, के। यही मान रखेंगे, आपका विविधकर आ जाएगा। अब देखिए बी की जगह कितना रखेंगे, माइनस टू, बी की जगह हमने माइनस टू रखा, इनका स्क्वायर किया, माइनस चार। ए की जगह कितना रखेंगे, एक जगह एक रखेंगे, सी की जगह कितना रखेंगे, के रखेंगे। माइनस दो का दो बार गुणा करेंगे तो चार आ जाएगा, माइनस चार एक का चार, चार का के में गुणा करेंगे तो चार के आएगा। यही आपका आंसर सवाल नंबर यह आठ था। अब सवाल नंबर नौवां आप देखेंगे, सवाल आपका नौवां है। देखिए लिखा गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमें बताना है यह वास्तविक है कि काल्पनिक है, यानी कि परिमेय है कि अपरिमेय है। यह सब बात इसके हम परिचय में सब कुछ बता दिए हैं। कहने का मतलब हर एक में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान अगर जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक वास्तविक कहा जाता है, यह जीरो से छोटा होगा तो काल्पनिक होगा, यानी कि अवास्तविक होगा। यदि देखिए यदि मूल बराबर भी आ जाता है, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो आ जाएगा, फिर भी मूल वास्तविक कहा जाता है। अब देखिए प्रकृति का मतलब हमें यही सब बताना है कि वास्तविक है कि अधिकल्पित है, कि मूल बराबर है, परिमेय अपरिमेय, यही बताना है। यदि वास्तविक हो, कहने का मतलब यदि भाई कहा गया है इसमें कि यदि उनका अस्तित्व हो तो मूलों को ज्ञात करें, अस्तित्व हो तो मूलों को आपको ज्ञात करना है। अस्तित्व का मतलब यदि मूल वास्तविक होंगे तो उनका अस्तित्व होगा, यदि मूल वास्तविक होंगे तो उनका अस्तित्व होगा, तब उस समीकरण को हमें हल करना है। अब देखिए नौवां का फर्स्ट पॉइंट है आपका सवाल, नौवां का फर्स्ट पॉइंट है, नौवां का फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, दिया गया है टू यक्स स्क्वायर माइनस तीन यक्स, टू यक्स स्क्वायर माइनस तीन यक्स धन पाँच बराबर जीरो दिया गया है। हमें ज्ञात करना है, पहले हमें इसकी प्रकृति बताने के लिए विविधकर निकालेंगे। प्रकृति निकालने के लिए विविधकर निकालेंगे क्योंकि उसमें फार्मूला सब बताया गया है। फार्मूला आप परिचय जरूर आप देखेंगे इनका 4.6 का। हम विविधकर निकालेंगे, विविधकर का मतलब डी का मान, विविधकर का मतलब डी का मान निकालेंगे, विविधकर जिसे हम डी से दर्शाया जाता है। विविधकर का एक नाम और होता है विवेचक होता है। अब फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसके लिए आपको देखे यक्स स्क्वायर के बगल दो दो है, यह ए का मान हुआ, यक्स के बगल बी है, बी का मान हुआ, और बिना यक्स वाला सी का मान होगा। कहने का मतलब ए बराबर कितना दो होगा, बी बराबर माइनस तीन होगा, सी बराबर पाँच होगा।
यानी कि द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करके निकाल दिया जाता है ए बी सी का मान। यदि उनका प्रकृत बताएंगे, प्रकृत का मतलब मूल वास्तविक है कि अधिकल्पित है, कि क्या है क्या नहीं भाई। अब देखें, एक बी के जगह माइनस तीन, ऊपर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर किया माइनस फोर, ए के जगह दो रखेंगे, सी के जगह कितना रखेंगे पाँच रखेंगे। माइनस तीन का स्क्वायर, माइनस तीन का दो बार गुणा करेंगे, माइनस तीन गुणे माइनस तीन, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तीन त्रिका नौ, और माइनस चार दूनी आठ, आठ पंचे चालीस। अब चालीस में से आप नौ निकालेंगे तो कितना होगा भाई, नौ निकालेंगे तो माइनस इकतीस आएगा, माइनस इकतीस। यह हमेशा छोटा है किससे, यह छोटा है किससे भाई, जीरो से। जब जीरो से छोटा रहेगा, कहने का मतलब यह ऋणात्मक मान आ गया, ऋणात्मक मान आएगा तो मूल क्या कहा जाएगा, काल्पनिक। माइनस माइनस इकतीस, अतः मूल अवास्तविक होंगे। अवास्तविक कह लिया जाए चाहे काल्पनिक कह लिया जाए चाहे अधिकल्पित, अतः मूल अवास्तविक, वास्तविक अवास्तविक यानी कि इसी को काल्पनिक, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। इसलिए इसलिए इनका अस्तित्व नहीं है, इसलिए इनका अस्तित्व अस्तित्व इनका अस्तित्व नहीं है। जब मूल काल्पनिक हो जाएंगे, कहने का मतलब अवास्तविक हो जाएंगे, तब इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। जब इनका अस्तित्व नहीं है तो इसे हमें हल नहीं करना है, अगर अस्तित्व होता तो हल करते हैं। अब नवा सवाल का दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, नवा का दूसरा पॉइंट है आपका, नवा सवाल का दूसरा पॉइंट है, तीन पॉइंट दिया गया है, इस पार्ट का भी आखिरी सवाल है, पहले पार्ट में हम नौ तक बताएंगे। दूसरा सवाल है तीन एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार करड़ी में तीन, बगल में यक्ष दिया गया है धन चार बराबर जीरो दिया गया है, यह सवाल है आपका, वही निकालना है हमें, इनकी प्रकृत बताना है। प्रकृत का मतलब मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है क्या नहीं, वही बता देना है हमें। अब देखिए, बस यदि उनका अस्तित्व है तो इसको हल भी करना है, यदि अस्तित्व रहेगा तो हम हल करेंगे इस सवाल को। अब देखिए, इनका अस्तित्व ज्ञात करने के लिए, प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वास्तविक पहचाना जाता है, वास्तविक है या अवास्तविक है, इसके लिए हमें विविधकर चाहिए। विविधकर का सूत्र आप जानते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी को विविधकर कहते हैं। इसमें ए बी सी का मान चाहिए, इसका द्विघात समीकरण का मानक सूत्र होता है ए यक्स स्क्वायर धन बी यक्स धन सी, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसी से तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। यक्स स्क्वायर के बगल ए है, यक्स स्क्वायर के बगल तीन है, ए बराबर मिल गया तीन, अब यक्स के बगल बी है, यक्स के बगल माइनस चार करड़ी में थ्री, बी का मान माइनस चार करड़ी में थ्री आ गया, इसके बाद सी, सी का मान कितना चार आ गया। बस ये सब मान इसमें रखेंगे तो विविधकर आपको ज्ञात हो जाएगा। बी का मान हमने रखा माइनस चार करड़ी में तीन का स्क्वायर, माइनस यह चार लिखा, चार और एक के बीच में गुणा का निशान, ए का मान तीन रखा, फिर सी आ गया तो फिर गुणा का निशान, सी का मान भी, ए का मान हमने तीन रखा, सी का मान हमने चार रखा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब माइनस चार करड़ी में तीन का स्क्वायर है,
अब देखिए माइनस चार करेंगे इनका स्क्वायर का मतलब दो बार लिखेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और चार चौक 16 हो जाएगा, इनका वर्गमूल भाई वर्ग यस वर्ग से कड़ी हट जाएगा तो 3 आएगा इसका। तो भाई माइनस चार माइनस माइनस से प्लस हुआ, चार चौक 16 हुआ, इसका स्क्वायर से कड़ी हट गया तो केवल 3 बचा। अब गुणा करेंगे चर्त यहीं 12 चौक 48 हो गया और 16 तियाँ कितना होता है, 16 तियाँ भी 48 होता है। 48 में से 48 निकालेंगे 0, 0 का मतलब कहने का मतलब डी जो डी है ये 0 से देखिए डी का मान 0 के बराबर आ गया, डी का मान 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक होगा, क्योंकि डी का मतलब व्युत्कर, चूँकि डी बराबर 0 तब मूल वास्तविक होंगे, इसलिए इनका अस्तित्व है, इनका अस्तित्व है। जब मूल वास्तविक होंगे तो इनका अस्तित्व है, जब इनका अस्तित्व है तो हमें इसे हल करना है, यह समीकरण को हल करना है। देखिए 3x² माइनस 4 करणी में 3 बगल में x प्लस 4 बराबर 0 था, अब इसे हल कीजिए, चाहे श्रीधराचार्य के सूत्र से हल कर दीजिए, चाहे आप गुणनखंड के जरिए हल कीजिए। अब देखिए श्रीधराचार्य से, चलिए भाई श्रीधराचार्य से हम सूत्र भाई सूत्र से हल कर दे रहे हैं। देखिए श्रीधराचार्य का सूत्र होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस कर्णी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होता है 2a होता है, कितना होता है 2a। अब देखिए यक्स स्क्वायर के बगल a होता है, a बराबर 3, बी बराबर हम लिखा भी है वहाँ पर, यहाँ फिर भी बी बराबर माइनस 4 कड़ी में 3 लिखा हमने और सी बराबर 4 वहाँ पर भी नोट किए हैं, बस यही मान इसमें रख देना है, एक्स का मान निकलेगा यही आंसर होगा। माइनस बी की जगह कितना रखेंगे, माइनस 4 कड़ी में 3, यह माइनस है, बी की जगह हमने माइनस 4 कड़ी में 3 रखा, कितना रखा माइनस 4 करड़ी में 3। अब प्लस माइनस आ गया करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला कितना निकला था 0, इसकी जगह हमने 0 रख दिया, नीचे 2a, a का मान हमने 3 लिखा। अब देखिए यक्स बराबर हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस 4 करड़ी में 3 बटे कितना आ जाएगा 2 × 3, 2 से यह 4 कटेगा, 2 × 4 कहने का मतलब 2 × 3/3, यानी कि जय घात होता है यक्ष घाते 2 है तो यक्ष का 2 मान आएगा और दोनों मूल यही होंगे क्योंकि मूल बराबर हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाए तो मूल बराबर कहा जाता है, तब मूल वास्तविक होंगे और इसमें मूल बराबर भी होंगे, आपके मूल वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे, अतः यक्स का मान 2 × 3/3, 2 × 3/3 होंगे, दोनों यही मान होंगे, क्यों होंगे, यक्ष घाते 2 है, यक्ष का 2 मान आएगा, इसीलिए 2 मान हमने लिखा। अब 9वां का आप लास्ट सवाल देखेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब 9वां का तीसरा सवाल हम देखते हैं, 9वां का तीसरा सवाल आप देखेंगे, 2x² - 6x + 3 = 0 है, हमें वही ज्ञात करना है, यदि इनका अस्तित्व है, पहले मूलों की प्रकृति बताना है, पहले मूलों की
प्रकृति बताना है, प्रकृति बताने के बाद प्रकृति का मतलब वास्तविक है कि मूल बराबर है कि परमे है कि अपरमे, तमाम बात होता है, परिचय में बताया गया था, जवन पूछा जाएगा तो वह बताया जाएगा। लेकिन इस समय अगर इनका अस्तित्व रहेगा तो उस समीकरण को हमें हल करना है, इतना जानकारी आप रखें। अब देखिए इसके लिए प्रकृति के लिए हम विविधकर निकालते हैं, विविधकर का मतलब डी का मान, डी का मान का मतलब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। इसका मान ए बी सी निकालना है तो तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। द्विघात समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर के बगल तो है, तो ए बराबर दो हुआ। अब देखिए बी बराबर कितना, ए बराबर कितना होगा, ए बराबर दो होगा, एक्स के बगल माइनस छः है या बी का मान होगा माइनस छः, और सी बराबर कितना होगा तीन। यह मान इसमें रखेंगे, बी का जगह कितना रखेंगे माइनस छः का स्क्वायर करेंगे, तब सूत्र में माइनस है चार है, ए का मान दो रखेंगे और सी का मान तीन रखेंगे। अब देखिए डी माइनस छः का दो बार गुणा करेंगे तो छत्तीस हो जाएगा, माइनस चार दूनी आठ, आठ तिरिक चौबीस आ जाएगा, चार दूनी आठ, आठ तिरिक चौबीस। अब देखिए छत्तीस में से चौबीस निकालेंगे तब डी बराबर बारह आ जाएगा, डी बराबर बारह, यह बड़ा है जीरो से इसलिए मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। बारह ग्रेटर देन जीरो डी का मान, भाई जीरो से बड़ा है, डी का मान हमने निकाला बारह, बारह जीरो से बड़ा है तब मूल, तब मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे। अगर पूर्ण वर्ग होता तो परिमेय कहते हैं, अगर यहाँ पर पूर्ण वर्ग होता तो परिमेय कहते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या कहेंगे अपरिमेय कहेंगे। मूल वास्तविक होगा, असमान भी होगा, असमान मूल वास्तविक होंगे, लिख दे रहे हैं भाई। सब परिचय में बताया गया था, वास्तविक पर इस बार फोकस किया गया है हमें, मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे, असमान असमान अपरिमेय अपरिमेय होंगे। जितना याद हो आपको उतना लिख देना चाहिए, अगर अगर यहाँ पर पूर्ण वर्ग टाइप होता तो परिमेय, बात यही लिखा जाता, क्या लिख देते परिमेय, बात जानकारी में आप रखे रहें। अब देखिए यानी कि मूल वास्तविक है, जिसे वास्तविक है, मूल वास्तविक असमान अपरिमेय होंगे। देखिए जब मूल वास्तविक होगा तो इनका अस्तित्व होगा, चूंकि मूल वास्तविक है, चूंकि मूल वास्तविक है, चूंकि मूल वास्तविक है इसलिए इनका अस्तित्व है, इनका अस्तित्व अस्तित्व है। जब मूल वास्तविक होगा तो अस्तित्व रहेगा, अगर मूल वास्तविक नहीं है तो अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है तो हल कीजिए, सवाल में यही कहा गया है। हल करने के लिए टू एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स धन तीन बराबर जीरो, चाहे श्रीधराचार्य के सूत्र से हल की दीजिए, चाहे आप गुणनखंड से लगाइए, किस से लगाएं, समीकरण के, समीकरण से हल कीजिए। हल कैसे करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर के बगल दो है और बिना एक्स वाला तीन है, तीन दूनी छः, छः लिखेंगे, खंड करेंगे दो तिहाई छः और तीन एका तीन। अब देखिए यही तीन इसी में से जोड़ के ले आइए, कितना छः, कितना जोड़ के ले आएंगे छः तो नहीं आएगा, अगर एक एका एक करेंगे फिर भी। देखिए अगर दो तिहाई छः किया, छः एक सात हो जाएगा, छः एक सात हो जाएगा, तीन एक का तीन करें, तीन दो पाँच हो जाएगा, छः नहीं बन रहा है। जब छः नहीं बन रहा है तो हम श्रीधरा चार के सूत्र से लगाएंगे। श्रीधरा चार का सूत्र होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस कर्णी में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, यक्स बराबर माइनस बी, बी की जगह कितना रखेंगे माइनस छः रखेंगे, बी का मान हम निकाले हैं ए बी सी का मान उधर से, और प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस फोर सी, बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान कितना निकाला गया है बारह, इसके जगह हम बारह रखेंगे, हम
नीचे क्या रखेंगे, टू, एक जगह कितना रखेंगे, दो। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। यक्स बराबर माइनस माइनस से प्लस, छः प्लस माइनस, बारह का वर्गमूल निकालेंगे, इसे लिख सकते हैं चार गुड़े तीन, चार गुड़े तीन, चार का वर्गमूल निकल जाएगा टू करड़े में तीन, नीचे क्या दो दूना चार, ऊपर से दो कामन लेंगे तो हो जाएगा तीन प्लस माइनस करड़े में तीन नीचे चार, फिर दो इक्का दो, दो दूना चार, यक्स बराबर निकल गया तीन प्लस माइनस करड़ी में तीन बटे दो। यही इनके मूल होंगे, यही इनका हल होगा। बस पहले, यह पहला पार्ट था, पहले पार्ट में बस इतना ही। अब इसके बाद दसवां सवाल से भाई हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। अगर